नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी? अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस और साथ साथ में आपके यूपीपीएससी UP SSSC को लेके भी है। अभी न्यूज़पेपर की कटिंग आप लोगों ने देखा होगा, कारागार विभाग में 3500 पद खाली हैं। बहुत सारे बच्चे लगातार इसमें पूछ लगते हैं सॉरी कि वैकेंसी क्या है, क्या आ रहा है सर, इसमें क्या होगा, कैसे पद होगा, तो सारा विवरण मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक ही करके हम लोग देखते हैं इसे। कारागार विभाग में 3504 पदों पर जल्द होगी भर्ती, जेल विभाग में खाली पड़े 3500 पदों पर होगी भर्ती। सबसे पहली बात तो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर ये क्या जो पद हैं ये सारे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा है, तो मैं सीधा बोलूंगा नहीं, ऐसा नहीं है। सारे ही पद आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड से नहीं है, बहुत सारे पद इसमें UPPSC से होंगे, बहुत सारे पद इसमें UP SSSC से होंगे, और इसमें जैसे आपके जेल वार्डर के पद होते हैं वो किससे होंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड से होंगे। ये सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। सबसे पहले ये बता देता हूँ कि इसमें कितने पद खाली हैं, किस विभाग से कौन से यहाँ पे वैकेंसी आएगी, कब आएगी, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, क्या उसका सिलेबस होगा, इन सारी बातों पर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अभी देखा जाए तो अभी कल ही एक मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक की है, किसके साथ, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग के साथ, और उसमें उन्होंने जितने भी रिक्त पद हैं उनके विवरण मांगे हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि विभिन्न जितने भी विभाग हैं, अगर आप किसी भी विभाग में चले जाओगे तो हर विभाग में एक मेजर वैकेंसीज खाली हैं, मेजर नंबर ऑफ वैकेंसीज खाली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विभाग या फिर आयोग या फिर शासन की थोड़ा सा ढीले होने की वजह से ये सारी वैकेंसीज कंटिन्यू लेवल पे आ नहीं आती हुई हैं, या फिर उसके लिए बोल सकते हो कि थोड़ा सा पॉलिटिकल मुद्दा भी वहाँ पर होता है। बट अभी जो यहाँ पर क्योंकि 2024 का चुनाव वर्ष लगा हुआ है और इसके कारण से हर प्रदेश की बात किया जाए, खासकर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए, तो इसमें वैकेंसीज पर बहुत ज़्यादा वेट दिया जा रहा है। जिसमें भी अभी ये बात निकल के आई है तो इसमें 3504 पद क्या है, कारागार, कारागार और कुछ नहीं। अगर आप देखोगे तो यूपी प्रिजन गवर्नमेंट की वेबसाइट खोलोगे वहाँ पे सारी चीज़ पता चल जाएगी। जो प्रिजन होते हैं, जो जेल होते हैं, कारागार होते हैं, उनमें विभिन्न पद होते हैं, उनमें क्या होते हैं कि हायर रैंक के पुलिस अफसर से लेके, फिर अगर देखा जाए समूह का खा गा या इस कम समूह खा और गा की बात किया जाए, उसमें क्लरिकल लेवल के होते हैं, का खा में आपके जो UPPSC से होते हैं वो आपके ऑफिसर रैंक के होते हैं, इसके अलावा जो चिकित्सा विभाग के होते हैं वो उसमें भी क्या होता है, उसमें अधिकारी रैंक के भी होते हैं, क्लर्क लेवल के भी होते हैं, नर्सिंग लेवल के भी होते हैं, तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग पद इसमें स्वीकृत होते हैं और उनमें क्या होती हैं वैकेंसीज, यहाँ पे अभी बहुत सारे पद खाली है। आप देखो कि ज़्यादा पद में अगर 156 पद यहाँ पे स्वीकृत हैं तो उसमें 107 खाली, इसका मतलब आप देख सकते हो कि कितना वहाँ पे जो वर्कफोर्स है वो कितना कम है। मतलब समूह का की बात किया जाए कारागार में, इसमें जैसे डिप्टी SP या डिप्टी जेलर वगैरह होते हैं, वो जो रैंक होती है उन रैंक की है, और ये PCS वगैरह से होती है, किससे होती है, PCS से होती है। तो समूह का और खा ये जो होंगे ये UPPSC इसका एग्जाम कंडक्ट करवाती है, इसी में डिप्टी जेलर वगैरह की क्या आती हैं, पोस्ट आती हैं, वो इससे भरी जाती हैं। 156 टोटल जो पद हैं ऐसे अगर देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 71 कारागार हैं, जिसमें से 5 जो हैं वो आपके केंद्रीय राज जो बोला जाता है कारागार हैं, और बाकी जो आपके हैं उनके सब्सिडीज हैं। तो ये 156 पद जो स्वीकृत हैं उनमें से 107 पद रिक्त हैं, समूह खा में 738 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 326 पद रिक्त हैं, समूह गा और घा की बात किया जाए तो 10543 में से 2808 और 263 पद समूह गा में ये क्लरिकल, स्टेनो, इन सब के लिए हैं। अगर आप देखोगे तो इसमें स्टेनो भी होता है, कनिष्ठ सहायक होता है, प्रधान सहायक होता है, उसका वरिष्ठ सहायक होता है, अलग अलग पद जो समूह गा और घा में होते हैं इनके, और मेजर चंक लगभग 3000 पद आपके इसी में खाली हैं। ये आपके किससे आने वाले हैं, UP SSSC से आने वाले हैं। इन्होंने जो विवरण दिया है वो 3500 पद लगभग केवल इन्हीं का दिया है, 3350 अगर टोटल बढ़ जाए, लेकिन इसके अतिरिक्त भी उत्तर प्रदेश पुलिस में लगभग 2068 में जेल वार्डर जो होते हैं, जेल वार्डर इनके, अभी पिछली बार भी इसकी वैकेंसी निकली थी, तो जेल वार्डर के जो पद होते हैं 2068 पद इसमें भी खाली हैं, और ये अलग से आपका उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की भर्ती के साथ, उसमें क्या होता है, उसमें PSC वगैरह होता है, फायरमैन वगैरह होता है, यहाँ पे नागरिक जो होते हैं, बाकी जो यहाँ पे जेल वार्डर का होता है इसकी भर्ती हमेशा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड अलग से निकालती है। तो इसकी भी वैकेंसी 2024 में आनी है, 2023 में तो नहीं मैं बोलूँगा आने की,
क्योंकि अभी इन्होंने 35,000 कांस्टेबल भर्ती ही नहीं निकाली है। रेडियो ऑपरेटर का फॉर्म भरवा के उसका एग्जाम नहीं करवा पा रहे। कंप्यूटर ऑपरेटर उसका अध्याचन कब से मिल गया लेकिन उसका एग्जाम उसका ना फॉर्म आ पा रहा है ना इसकी परीक्षा की कुछ चर्चा चल रही है। तो अभी तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि जेल वार्डर जो है वो इसी साल हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात क्लियर है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड में आने वाले मंथ मतलब अप्रैल लास्ट से, या मैं बोलूं मई मई के फर्स्ट वीक से लेकर और 2024 के मई तक, मतलब अगला एक साल जो होने वाला है, ये सत्र बहुत ही ज्यादा यहाँ पे वैकेंसीज आने वाली हैं। जैसे आपका 2021-2022 वाला जो वर्ष था उसमें आपके लगातार वैकेंसीज आई। उत्तर प्रदेश एसआई का आया, उसी में अगर देखा जाए तो एएसआई का आया, उसी में और भी बहुत सारे पद है। या उससे पहले अगर देखा जाए 2018 वाला, वही सिलसिला फिर से आपका चलने वाला है इस बार। इस बात का ध्यान देना क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस जो होती है ये हमेशा चुनावी वर्ष के नजदीक आते ही सारी वैकेंसीज डिस्क्लोज करती है। तो 35,000 कांस्टेबल के पद आपके जो अधियाचित हैं इसके अतिरिक्त भी बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि चुनावी वर्ष लगा हुआ है। बाकी 2068 पद आपकी किसमें है, फायरमैन इसके जेल वार्डर के हैं। और भी बहुत सारे पद अगर आप देखो तो 800 से 900 पद आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का है, रेडियो ऑपरेटर का 2,500 से ज्यादा पद है। अगर अगर यहाँ पे देखा जाए तो यूपीएसआई एएसआई के फिर से 800 से 900 पद आने वाले हैं। तो ओवरऑल लगभग 50,000 वैकेंसी केवल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड से आगामी 12 महीनों में आने वाली है। तो आप लोग उसकी तैयारी पहले से ही शुरुआत कर दो। जो बीच में आप लोग थोड़ा सा भी ढीले हो गए थे ना, अब अपना वार्म अप करना शुरू कर दो, धीरे धीरे रिवाइज करना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि ये कभी भी आपके सामने आ सकता है। इस बात को यहां पे आप लोग समझते हुए चलिएगा। इसके अतिरिक्त जो कारागार में होते हैं ये चिकित्सा अधिकारी भी होते हैं। ये यूपीपीएससी से जनरली भरा जाता है। 153 पद स्वीकृत है, 36 पद यहां पर रिक्त हैं, ठीक है। बाकी फार्मासिस्ट हैं, ये UP SSSC से होता है, ये UP SSSC से होता है। तो इसमें आपके 89 पद हैं। हालांकि ये पद मतलब का नहीं रहेगा क्योंकि पहले तो पीएटी लगा देते हैं, उसके बाद इसमें क्या होता है परसेंटाइल हाई चला जाता है, इसके लिए फिर स्पेशल वो क्या कर देते हैं, स्पेशल आपका ग्रेजुएशन मांग लेते हैं या स्पेशल आपकी डिग्री मांग लेते हैं, स्पेशल आपका सब्जेक्ट मांग लेते हैं, उसके बाद सिलेबस भी अलग से डिजाइन कर देते हैं। तो UP SSSC का तो अभी कुछ सर्टन नहीं है, इस हिसाब से तो मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। बट अगर आप पुलिस भर्ती बोर्ड से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका फिक्स पैटर्न है, जैसे आपका GS हो गया, आपका हिंदी हो गया, आपका मैथ्स हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, और उसमें पुलिस अभिरुचि जो होती है ये 4-5 पोर्शन, अगर आप मेंटल एबिलिटी से बोलते हो, ठीक है, ये 4-5 पोर्शन आप तैयार करते हुए चल रहे हो तो आपका इजी कवर हो जाएगा। बाकी यूपीपीएससी का आप देख ही रहे हो कि पैटर्न इसका नया बदल गया। यूपीपीएससी में अभी ऑप्शनल भी हटके, अभी कल ही यूपीपीएससी का रिजल्ट भी आया है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे तुरंत ही मोटिवेटेड फील करते हैं, बहुत सारे बच्चे डिप्रेस्ड भी फील करते हैं। ऐसा लगता है कि रिजल्ट आता है, हम लोग तैयारी कर लेंगे, आप PCS बन जाएंगे, SDM बन जाएंगे। और होता क्या है, जैसे जैसे दिन बीतते हैं, सप्ताह बीतते हैं, आपका जोश ठंडा होता जाता है। तो जोश जो रिजल्ट आने के बाद जो जोश आपके अंदर आता है ना, यही सालों साल अगर बना रहेगा तो सफलता भी आपको मिल जाएगी, वो चाहे फिर UPSC की कोई रैंक हो या UP SSSC का हो या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड हुआ हो या फिर कोई अन्य विभाग का हो, आपका सिलेक्शन यहाँ पे सुनिश्चित हो जाएगा। चैनल पे नए हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तमाम भर्तियों से संबंधित जानकारी और इसकी तैयारी आपको टीम परीक्षा प्लस बहुत विधिवत तरीके से कराती है। सेशन पसंद आए तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और अगर आपके प्रश्न कोई रह गए हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हो, उसके आपके प्रश्नों का जवाब टीम परीक्षा प्लस बहुत ही भली बात देगी। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।